घटना बताई जा रही है। तो चंदौली में अज्ञात कारणों से 20 बीघा गेहूं की फसल जो है वो जलकर राख हो गई है। वह स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना भी दी गई, जिसके बावजूद भी समय से फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची है। इस दौरान किसान की 20 बीघा फसल जलकर पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। कड़े मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। मुस्तफापुर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। फतेहपुर में गंगा नदी में नहाते समय तीन दोस्त डूब गए हैं। वही दो को गोताखोरों ने तो बचा लिया है, जबकि एक दोस्त की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बताते चले कि गंगा में नहाते वक्त तीन दोस्त डूब गए थे। मलवा थाना क्षेत्र के रावतपुर घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तीन दोस्त के डूबने के बाद गोताखोरों की मदद से दो दोस्तों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक की मौत हो गई है। तो दो को गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया, लेकिन एक की मौत हो गई है। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने एक युवक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मलवा थाना के रावतपुर घाट का पूरा मामला। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग। तो एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई है। इस दौरान गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया, और आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी कि आग की लपटें जो है वो दिखाई दे रही हैं। आग लगने से लाखों का नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। वही ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने से गृहस्थी का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की वजह थाना सुल्तानपुर घोष के कस्बे का ये पूरा मामला सामने आया है। लखनऊ में पुलिस ने गैंगस्टर संतोष कुमार को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर एक्ट में आरोपी था फरार संतोष कुमार। तो गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर बैंक से लोन लेकर किया था बड़ा फर्जीवाड़ा, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में तीन और आरोपियों की भी पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वही अब एक आरोपी की और गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस ने संतोष कुमार को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था संतोष कुमार, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर बैंक से लोन लेकर किया था बड़ा फर्जीवाड़ा। भाई इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। थाना कृष्णानगर की पुलिस टीम द्वारा एक गैंग का एक अपराधी जो कि कई दिनों से वांछित चल रहा था उसको गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम संतोष कुमार है, ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इस संबंध में थाना कृष्णानगर पे एक अभियोग 133/22 पंजीकृत किया गया था, जिसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस के तरफ से ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, और इसमें इन लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री दिखा के जो होम लोन्स होते हैं वो कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम।